नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रहने वाला है आपके होम साइंस का, जिसका नाम है कार्य आजीविका तथा जीविका। इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं हम यहाँ पे देखेंगे इस चैप्टर के पूरे, ठीक है। और इस चैप्टर की जो वीडियो आपको पूरी तरीके से जो एक्सप्लेनेशन है ऑलरेडी करवा चुकी हूँ मैं, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको जो पूरा चैप्टर है वो समझ में आ जाए। और साथ ही में जो क्वेश्चन आंसर है जो मैं यहाँ करवाने वाली हूँ, आपको ऑलरेडी ही इसके जो आंसर है वो पता चल जाए, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है आपके चैप्टर से ब्रीफली हमने ले लिया है इसमें, ठीक है। आपको जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कवर अप हो जाएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उस चैप्टर से बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं, और साथ ही में जो उसके आंसर है हम उसको भी देखते हैं। तो यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कार्य के कोई दो उद्देश्य बताइए, ठीक है। आपको पता है कि कार्य क्या है, हम कोई भी काम कर रहे हैं उसको कार्य बोल रहे हैं, हम जिससे कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे हमें धन प्राप्त हो रहा है, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, हम उसको कार्य बोलते हैं। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है कि जो आपके कार्य है उसके कौन से उद्देश्य हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बताएंगे, फर्स्ट कि कार्य नौकरी व अनेक व्यक्तियों के लिए आजीविका का साधन है। क्या है, हम कार्य कर रहे हो तो उससे क्या है, एक तरीके से हमारे आजीविका का साधन ही है, हम उससे क्या है अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और कार्य आनंद और मानसिक संतुष्टि का स्रोत है। अब कार्य आप कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से आप बिजी है अपनी लाइफ में, तो क्या है आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। आपको एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि आपका माइंड क्या है, हल्का हो जाएगा, एक तरीके से डाइवर्ट हो जाएगा कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपका कोई घर में कोई प्रॉब्लम है, इशू है। लेकिन अगर आप बाहर जाके कार्य कर रहे हैं तो क्या है, आसपास के माहौल को आप देख रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, आपकी जो मानसिक संतुष्टि है आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो क्या है, आपका कार्य से क्या होती है, आपकी जो मानसिक संतुष्टि है वो भी प्राप्त होती है। और कार्य द्वारा हमें आर्थिक लाभ भी होता है। अब हम कार्य कर रहे हैं किसी के अंडर तो हमें धन भी मिलेगा, धन अर्जित कर पाएंगे, जिससे क्या होगा हमारा जो आर्थिक लाभ है वो होगा। तो आई होप आपको जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है हम वो देखते हैं। इसमें क्या है प्रश्न दो में कि एक उद्यमी के रूप में व्यक्ति के पास कौन सी चार व्यक्तिगत विशेषताएं होनी चाहिए। अब यहाँ पे उद्यमी कौन है, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, तो उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो आपने तो ये सुना भी होगा ये वर्ड कई बार, इसके साथ साथ अन्य और भी आप सब्जेक्ट्स देख ले तो उसमें भी नए नए वर्ड्स जो है मिलने को देखने को मिल रहे हैं। तो उद्यमी कौन है, एंटरप्रेन्योर्स, जो कि जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है, नए नए आइडियाज को लेकर आते हैं, ठीक। तो वही सारी जो इनकी विशेषताएं हैं, शारीरिक विशेषताएं हैं, हमें वो बतानी है। तो हम देख लेते हैं, पहले यहाँ उद्यमी की डेफिनेशन आपको दे रखी है कि आखिर है कौन। तो उद्यमिता का एक नया और नवप्रवर्तक उद्यम उत्पाद तथा सेवा स्थापित करने का कार्य है। नई नई क्या है, आप उत्पाद देख रहे हैं, जो है फैक्ट्रिया वगैरह लग रही है, नई नई लोगों के हिसाब से चीजें बन रही है। तो क्या है, जो नए उद्यमी जो है बिजनेसमैन है जो निकल के आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर से हमारे, उन्हीं के द्वारा हमें ये सारी चीजें प्राप्त हो रही है। तो वही क्या है, हमारे उद्यमिता के अंदर आएगा। अब यहाँ उद्यमित जो है उसके आपको गुण बता रखे हैं, कौन कौन से हैं हम वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, कड़ी मेहनत की इच्छा। अब कोई भी एंटरप्रेन्योर कब बनेगा, जब उसके अंदर कड़ी मेहनत की इच्छा होगी कि स्टार्टिंग से, उसको ऐसा नहीं है बिजनेस और अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें डिफरेंस आपको पता होगा। बिजनेस क्या है, कोई जो आप बिजनेस में एक तरीके से ले सकते हैं, कोई फादर है उसका कंटिन्यू बिजनेस कौन करेगा, उसका बेटा करेगा, तो इसको हम बिजनेसमैन बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे चल रहा है। लेकिन एंटरप्रेन्योर में क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर शुरू से शुरू कर रहा है तो क्या है, उसके लिए क्या चाहिए, तो कड़ी मेहनत चाहिए और कड़ी इच्छा होनी चाहिए उस कार्य को करने के लिए। तो जो आपके उद्यमिता होते हैं या उद्यम होते हैं उनके क्या गुण हैं, तो उनके अंदर जो है कड़ी मेहनत की इच्छा होनी चाहिए। और सेकंड क्या है, योजना बनाने व क्रियान्वयन करने का ज्ञान व कौशल। तो क्या है, उनको योजना बनाना आना चाहिए। कोई भी कार्य आप ऐसे तो कर नहीं सकते, एंटरप्रेन्योर आप ऐसे नहीं बन सकते, कोई बिजनेसमैन भी आप ऐसे नहीं बन सकते। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसको प्लानिंग के साथ ही करना पड़ेगा, ताकि लोगों को वो चीज पसंद भी आए। तो क्या है, एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन से गुण होते हैं, तो क्या करते हैं वो, कोई भी कार्य करने से पहले उसका योजना बना लेते हैं। और ऐसा ही नहीं है बना के छोड़ दिया योजना और फिर बाद में जो मन किया वैसे कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या करते हैं, योजना बनाते भी है और साथ में योजना के साथ ही कार्य करते हैं, मतलब उस योजना को अपने कार्य में लाते भी हैं। और नेक्स्ट क्या है, जोखिम उठाने का साहस है, अच्छे संप्रेक्षण कौशल का होना। जोखिम उठाना मतलब कि हार जीत। अब क्या है, अब नई नई चीजों को आप क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, लोगों के सामने रख रहे हैं, हो सकता है कई लोगों को वो पसंद आए लेकिन कई लोगों को ना पसंद आए, ठीक है। तो क्या है, उस जो प्रोडक्ट है उसके चलने के चांसेस तो
आपको नहीं पता कितने हैं, और अगर वो चल गया तो आपने मन में यही सोच रखा है कि मैं तो लोगों के हिसाब से ही बना रहा हूँ, लेकिन अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो क्या होगा, एक तरीके से कहीं ना कहीं उसको लॉस होगा। तो क्या है, वो जोखिम उठाने का साहस भी उसके अंदर होना चाहिए। तो ये सारे क्या थे, आपके जो उद्यमी है उसके गुण थे। तो आई होप आपको जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। तो अब यहाँ आ गया आपका अर्थपूर्ण कार्य की परिभाषा, बताइए अर्थपूर्ण कार्य मतलब एक अर्थ आप समझ सकते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जो समाज में योगदान दे रहा हो, अर्थ हो, जिसका कोई मतलब बनता हो, उस कार्य को हम क्या कहेंगे, हमारा जो अर्थपूर्ण कार्य है वो कहेंगे। तो उसी की जो परिभाषा है वो हमें देनी है, वो हम देख लेते हैं। तो क्या है, वह कार्य जो समाज व अन्य लोगों के लिए उपयोगी हो और जिम्मेदारी से किया जाए और साथ में आनंददायक भी हो। ऐसा कार्य क्या है जो हमारे समाज के लिए भी एक तरीके से अच्छा हो, हमें भी करने में आनंद आए, उसको हम क्या कहेंगे, हमारा अर्थपूर्ण कार्य कहेंगे। अर्थपूर्ण कार्य व्यक्ति में आत्मविश्वास एवं मेहनत जागृत करता है और व्यक्तिगत विकास में योगदान देता है। अब अर्थपूर्ण कार्य में क्या है कि व्यक्ति के अंदर उसकी जो योग्यताएं हैं वो निखर के सामने आ रही है। तो किससे आ रही है, हमारे अर्थपूर्ण कार्य के द्वारा आ रही है। वह स्वयं के जीवन में वह समाज की परिस्थितियों को सुधारने में योगदान देता है। अब क्या है, हम अर्थपूर्ण कार्य क्या है, इसमें हमने फर्स्ट में देख लिया क्या है, समाज में किसी ना किसी तरीके से योगदान दे रहा है, ठीक है। तो वही है कि किस तरीके से वह स्वयं के जीवन में वह समाज के जीवन में भी एक परिवर्तन का हम बोल सकते हैं, एक जरिया हम कह सकते हैं, ठीक है, अच्छा जरिया है परिवर्तन का जो हमारा अर्थपूर्ण कार्य है वो। तो आई होप आपका जो आपका ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया होगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सुकारिकी के 4 स्तंभों के जो नाम है वो हमें लिखने हैं, ठीक है। इसमें क्या है, औद्योगिक मनोवैज्ञानिक, आपकी जो सुकारिकी है उसके हम क्या करेंगे, जो नाम है 4 स्तंभ है उसके हम उसको समझेंगे। अब ये सुकारिकी क्या है, तो एक तरीके से सामंजस्य है, मशीन और विज्ञान का सामंजस्य है हमारा जो सुकारिकी है। तो उसके जो 4 स्तंभ है हम उसको देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट कौन से, आपका औद्योगिकी मनोवैज्ञानिक। अब इसमें क्या है, कार्यस्थल पर प्रेरणा व परीक्षण का अंदाज, मतलब किस तरीके से वहां परीक्षण किया जा रहा है कार्य का, ये सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। फिर मानव मिति है, तो इसमें क्या है, शरीर का आकार व ताप। ये क्या है कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं सुकारिकी में क्या हो रहा है कि मशीनरी हम जो देख रहे हैं उसका सामंजस्य बन रहा है विज्ञान के साथ। तो क्या है कि लोग जो कर्मचारी वगैरह है उनके हिसाब से कुछ कार्य जो है वो किए जाते हैं, मशीनों का जो निर्माण है वो सारी चीजें की जाती है इसके अंदर। तो वही है कि मानव मिति में क्या है, तो शरीर का आकार व ताप। शरीर क्रिया विज्ञान है, इसमें क्या है, कार्य की अवधि है, मुद्रा, शारीरिक क्षमता। और जैव यांत्रिक, तो पेशीय कंकाली गतिविधियां या क्रियात्मक कार्य व बल। तो ये चारों क्या है, आपके सुकारिकी के 4 स्तंभ है। अब आपको ये भी समझ में आ गई होगी। और जो सुकारिकी है उसकी इजी डेफिनेशन में मैंने बता दिया कि ये क्या है, मशीन और विज्ञान का एक सामंजस्य है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो देखते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई, इस योजना के जो 2 मुख्य उद्देश्य है वो बताने। तो ये इस क्वेश्चन को आप बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, ये हम बोल सकते हैं इसके 95% चांसेस है आपके एग्जाम में आने के। तो आपको क्या है, इसको याद रखने, इसकी डेट जो याद रखनी है, इसके उद्देश्य जो है वो याद रखना है। बाकी तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है जो आपको करवाए जा रहे हैं, तो आपको क्या है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस परियोजना का जो कब इसको चालू किया गया और क्यों चालू किया गया वो आपको बताना है। तो क्या है, 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा पानीपत में इस योजना का जो आरंभ है वो किया गया था। कब किया गया था, 22 जनवरी को हमने किया था 2015 में। किसके द्वारा, तो जो हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ किया गया था, हरियाणा पानीपत में किया गया था। अब किस लिए किया गया था, क्या उद्देश्य था इसका करने का, हम कोई भी परियोजना कर रहे हैं, कोई भी योजना है लेकर आ रहे हैं लोगों के सामने, तो कोई ना कोई इसका रीजन होगा करने का, ठीक है। तो क्या है, इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य में जो है पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन। तो क्या है, आप हरियाणा या राजस्थान ऐसे स्टेटों की बात कर ले तो वहां पे क्या है, कितना लिंगानुपात है, कितना भेदभाव किया जाता था एक टाइम पे। तो क्या है, हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने इस योजना के जरिए क्या किया था, तो जो लिंग अनुपात में पक्षपात है, मतलब जो भेदभाव किया जा रहा था लड़के और लड़कियों में, क्या कर रहे थे कि लोग भ्रूण हत्या करवा दे रहे थे। टेस्ट वगैरह होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं उनके, और अगर उनके मतलब
बेबी क्या है, बेबी गर्ल है, तो उसको क्या किया जाता था, पहले ही अबॉर्ट करवा दिया जाता था। तो किससे क्या हुआ था कि जो लिंगानुपात है वो काफी बढ़ गया था और लड़कियों की जनसंख्या में काफी कमी आ गई थी, जिस कारण क्या है हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने इस योजना का जो आरंभ है वो किया था। तो फर्स्ट आप बता सकते हैं कि जो लिंगानुपात है उसको क्या करना था, उसको रोकना था, ठीक है, उसके लिए ये किया था। और नेक्स्ट क्या है, बालिकाओं को शिक्षा और सुनिश्चित करवाना, जो बालिकाओं की शिक्षा है एक तरीके से सुनिश्चित करवाना। अब काफी ऐसे एरियाज है जहाँ पे क्या है, लड़कियों को पढ़ाई नहीं करवाते थे, पढ़ाई करवाने का अधिकार नहीं था उन लोगों को, घर के काम, यही हम मिलनी सुनते हैं कि लड़कियों को क्या किया जाता है कि तुम घर के काम करो, ठीक है। तो वही है कि इस योजना के जरिए क्या किया गया था, तो जो लड़कियों की शिक्षा है उसको भी सुनिश्चित करवाया गया था और लिंगानुपात में भी सुधार लाया गया था इसके द्वारा। तो अब आपको जो ये क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया होगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि स्वीकारिकी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब इसमें स्वीकारिकी की डेफिनेशन भी आ जाएगी और साथ ही में इसकी हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या आवश्यकताएं हैं हम ये भी देख लेंगे। तो क्या है कि एग्रोनॉमिक्स दो ग्रीक भाषा शब्द से मिलकर बना है। स्वीकारिकी को हम क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमिक्स बोलते हैं। और ये क्या किस दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये ग्रीक के शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एग्रो का मतलब क्या है, काम, और नॉमिक्स का मतलब क्या है, प्रकृति, नियम। इसमें मानव कारक अभियंत्र, ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो हमारा जो ह्यूमन फैक्टरिंग इंजीनियरिंग है हम उसको ये भी कह सकते हैं। अब क्या है, कार्यकर्ता की दक्षता व उत्पादकता को बढ़ाना। अब इसके जरिए क्या किया गया, कोई कार्य करता है, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, उसकी दक्षता मतलब उसके अंदर क्या है, जो कौशल है उसको और बढ़ाया जा रहा है, और साथ ही में क्या है, जो उत्पादन है उसको भी और बढ़ाया जा रहा है। इसके द्वारा हम जो स्वीकारिकी है, इसके द्वारा हम इन सब कार्यों को क्या है अपने अंडर में लेकर आ रहे हैं। और कार्यस्थल व कार्य के उपकरणों को कार्यकर्ता की आवश्यकता के अनुसार सुविधाजनक बनाना। कोई भी है, हम देख रहे हैं कार्यस्थल है, कोई कार्य जहाँ पे आप फैक्ट्री वगैरह देखते हैं वहां बहुत सारे उपकरण है, मशीनरी होती है, तो वही बताया गया है कि कार्यस्थल पर वह कार्य के उपकरणों को कार्यकर्ता की आवश्यकता अनुसार और सुविधाजनक इसमें क्या है बनाया गया। कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके आसपास जो भी उपकरण है, मशीनरी है, कैसे बनाए गए हैं, तो व्यक्ति और कार्यकर्ता के अनुरूप ही उनका निर्माण किया गया है। तो किससे हमने किया है ये सब कुछ, एग्रोनॉमिक्स हमारी स्वीकारिकी है, इसके द्वारा हमने ये सब किया है, ठीक है। तो अब आपको जो ये क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपका आगे है जो है क्वेश्चन नंबर 7 कि नौकरी तथा करियर में जो अंतर है हमें वो समझाना है, ठीक। यहाँ आपको नौकरी दे रखा है और यहाँ करियर दे रखा है। अब नौकरी क्या है, हम किसी के अंडर काम करें उसको हम नौकरी बोल सकते हैं, कोई भी हमें सैलरी दे रहा है, कोई हमें कार्य निर्देश दे रहा है कि तुम्हें ये कार्य करना है, हम किसी के नीचे काम कर रहे हैं। वही हमारा करियर या जीविका क्या है, तो हम अपनी जीविका मतलब जो हम अपनी लाइफ में आगे करना चाहते हैं उसका चुनाव हम खुद से कर रहे हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ, किसी के अंडर में नौकरी कर रही हूँ, तो क्या है वो मुझे ऑर्डर देगा तुम ये काम करके लाओ, ये करो, इतने दिन में करके लाओ। लेकिन अगर मैं खुद अपने करियर का चुनाव कर रही हूँ, अपनी जीविका का चुनाव कर रही हूँ कि मुझे टीचर बनना है या कुछ और काम में फील्ड में जाना है मुझे, तो क्या होगा, कोई मेरे को ऑर्डर देने वाला नहीं है, मैं खुद से ही वो चीज चूज कर रही हूँ। तो उसके लिए पढ़ाई करना है, किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, और सब क्या है मुझे स्वयं से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही आपको क्या है, नौकरी और करियर में थोड़ा सा जो अंतर है वो बताना है। तो नौकरी क्या है, जीवन को बेहतर बनाना, नए कौशल सीखना। नौकरी से हम क्या कर सकते हैं, हमें धन प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे, अपने जीवन को अच्छा बना लेंगे, और जो नए नए कौशल है, ठीक है, लोगों से बातचीत करने का तरीका हो गया। नौकरी में आपको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, तो सारी चीजें क्या है आपको नए नए कौशल जो है वो सिखाती है। साथ ही में नौकरी में आनंद लेना, कोई भी कार्य आप नौकरी कर रहे हैं, अपनी पसंद की नौकरी कर रहे हैं, आपको जो प्राप्त कोई भी आपके अंदर कौशल है आप उसी के जरिए अपनी नौकरी को प्राप्त करें, तो उससे क्या है आपको मजा भी आएगा वो कार्य करने में। किसी के अंडर में कार्य कर रहे हैं लेकिन अपनी पसंद का काम कर रहे हैं, तो क्या है आप नौकरी से भी आनंद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्साहित रहना, नई नई जानकारी जो है आपको प्राप्त होती रहेगी, लोगों से डील करना आना चाहिए, लोगों को अपनी बातों में क्या है कि इम्प्रेस करना, कि किस तरीके से लोगों को बातों में इम्प्रेस करना है ये सब आना चाहिए, या और भी बहुत सारे जो कौशल है वो सारी चीज़ें उनमें नौकरी में हमें आनी चाहिए। और नेक्स्ट क्या है इसी में,
नौकरी के द्वारा हम धन अर्जित करके अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो क्या है कि ये मैंने बताया था कि नौकरी के द्वारा क्या है, हम नौकरी कर रहे हैं तो उससे क्या है, हमें धन प्राप्त हो रहा है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमें कुछ ना कुछ फायदा हो। तो हम नौकरी कर रहे हैं किसी के अंडर तो क्या है, हमें धन प्राप्त हो रहा है, जिससे क्या है हम अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो नॉर्मल लाइफ की डेली लाइफ की हमारी चीजें हैं, हम उन सबकी पूर्ति जो है वो कर पाते हैं। ठीक है, तो आपका नौकरी था, आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो करियर है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, जीविका का अर्थ साधन और व्यवसाय है। इसका अर्थ क्या है, एक तरीके से साधन या कोई भी व्यवसाय, कोई भी कार्य जो हम करना चाहते हैं वो है। अपने चुने हुए क्षेत्र में व्यक्ति स्वयं प्रमाणित करता है, कोई भी क्षेत्र जिसको हमने खुद से चुना है, स्वयं से चुना है, तो उसमें क्या हो रहा है, व्यक्ति जो भी अपने क्षेत्र है, जो भी उसने खुद से चुना है, मैंने जैसे आपको बताया मैं टीचर बनना चाहती हूँ, तो इसमें क्या है, मैं अपनी दक्षता जो है वो खुद से दिखाऊंगी, या कोई भी कार्य जो मैं करना चाहती हूँ खुद से प्रमाणित करूंगी कि हाँ मैंने ये करियर चूज किया है, मुझे इसी में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, व्यक्ति खुद से चुन रहा है अपने क्षेत्र को और साथ में क्या कर रहा है, स्वयं को प्रमाणित कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं इसमें। तो क्या है, व्यक्ति अपने द्वारा चुने गए क्षेत्र में नए नए कौशलों को निरंतर सीखता रहता है। अब इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति है, उसने कोई फील्ड जो है वो चूज किया है, ठीक है, तो क्या कर रहा है कि वो जो नए नए कौशल है वो सीख रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है, मैंने जैसे आपको बताया, अपने एग्जाम्पल में दे देती हूँ आपको, ठीक है, या कोई बच्चा ही आप ले लीजिए कि क्या है, वो टीचर बनना चाहती है, कोई भी जो कार्य है खुद से उसने चूज किया, मुझे वकील बनना है या कोई और कार्य जो है वो करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, नए नए कौशलों को सीख रहा है। मतलब उसको नई नई आप देख रहे हैं जानकारी प्राप्त हो रही है, कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं अपने करियर में आगे जाने के लिए, तो क्या है, आप नई नई पुस्तकें पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, आपका माइंड क्या है, एक तरीके से शार्प हो रहा है, आपको बहुत सारी जो नॉलेज है वो प्राप्त हो रही है, साथ ही में आपको अलग अलग फील्ड की जानकारी हो रही है। जैसे आपने 10th 12th की बात कर ले, 11th की बात कर ले, कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने आर्ट्स ले लिया, साइंस ले लिया या फिर कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स वाले बच्चे तो चलो आगे हम देखते हैं तो मेनली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें हमें आर्ट्स वगैरह के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी अगर हम साइंस के बच्चे की बात कर ले या कॉमर्स के बच्चे की बात कर ले, अगर उसको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है तो उसने क्या किया, 10th 12th में तो साइंस एंड कॉमर्स जो है वो पढ़ लिया, लेकिन आगे जाके क्या है वो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है उसमें भी क्या है, इंटरेस्ट जगा रहा है। तो उससे क्या है, आप देख रहे हैं उसका कौशल एक तरीके से बढ़ेगा, उसका जो माइंड है वो शार्प होगा कि उसने अपने फील्ड में नॉलेज ले लिया है, साथ ही में क्या कर रहा है तो अन्य फील्ड में भी क्या है, खुद को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि हम क्या करते हैं, जो करियर है जो हम खुद से चूज करते हैं, तो उसमें क्या है, हमारे जो कौशल है वो धीरे धीरे बढ़ते ही रहते हैं। अब क्या है नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, जीविका जीवन प्रबंधन संकल्पना है, और जिसमें जीवन प्रथम विकास होता है। अब जीविका में क्या है कि जीवन प्रबंधन संकल्पना है, एक तरीके से हम जीवन को क्या कर रहे हैं, एक हम कोई भी कार्य करें टाइम टेबल से करते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्या है कि हम जीविका स्वयं से चुन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम एक तरीके से खुद से चाहते हैं हमारा जीवन किस तरीके से चले। आप नौकरी में देख रहे हैं कि हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें जॉब पैसे मिल रहे हैं काम करने के, लेकिन क्या है, टाइम लिमिट दे रखी है, हमें इतने से इतने टाइम पर ही काम करना पड़ेगा, इतने से इतने दिन, अगर कोई बॉस है हमारा उसने बोल दिया कि मुझे आज से एक हफ्ते बाद मुझे ये काम चाहिए तो चाहिए, नहीं तो आपको डांट खाने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, तो आप यहाँ पे क्या है, करियर या जीविका जो है हमारा खुद से आप चूज कर रहे हैं इसमें कि मुझे आगे जाके ये बनना है। यहाँ कोई आपका सीनियर नहीं है, कोई आपका जूनियर नहीं है, जो भी काम है वो खुद से करना होगा आपको, ठीक है। तो वही क्या है कि एक हम बोल सकते हैं जीवन भर की संकल्पना है हमारी, किस तरीके से हम प्रबंधित तरीके से अपने जीवन को चला सकते। तो आई होप आपको जो ये आपका क्वेश्चन है जीविका और नौकरी में डिफरेंस, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देख लेते हैं हम। तो क्या है, कार्य के संबंध में जेंडर से जुड़े मुद्दे का वर्णन कीजिए। अब देख रहे हैं, आप देखते हैं स्टार्टिंग टाइम की हम ये बात कर ले, अभी तो चलो काफी हम बोल सकते हैं कि चेंजेस हो चुके, लेकिन पहले के टाइम की हम बात कर ले तो काफी भेदभाव होता था। अभी भी आप बहुत सारे घरों की बात कर ले तो वहां पे भी बहुत भेदभाव होता है। क्या है कि पुरुष अगर घर से बाहर जाके काम कर रहा है तो क्या है, उसको मान्यता मिल रही है कि वो घर से बाहर जा रहा है, कमा के ला रहा है। लेकिन अगर वही कोई महिला है, घर का काम करने के बाद वो घर से बाहर काम करने जा रही है, तब भी उसके काम को क्या है, कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। क्या है, कुछ उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना हम बोल सकते हैं पुरुष पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो वही बताया है इसके अंदर, इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि किस तरीके से कार्य के संबंध में जेंडर और जो हमारे जेंडर से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उसको हमें बताना है इसमें। तो फर्स्ट क्या है, जैविक और अनुवांशिक आधार पर मानव जाति को दो लिंग में बांटा गया।
जैविक हम बोल सकते हैं और अनुवांशिक जो है उसके हिसाब से हमने क्या कर रखा है, दो भागों में जो व्यक्ति का वो है हमने उसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है, लिंगों में बांट रखा है, पुरुष मादा। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय में पर जेंडर या ट्रांसजेंडर को भी तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेक्स या लिंग जैविक वर्ग से संबंधित और जेंडर सामाजिक पहचान पर आधारित है। तो यहाँ पे क्या है, जीवन हम शुरू से ही देख लेते हैं क्या है, जेंडर जो है हमें समाज द्वारा प्राप्त है, कि हम बोलते हैं कि वो स्त्री है या कोई पुरुष है तो क्या है, हमें समाज से प्राप्त हुआ है। धन कमाने में सक्रिय भागीदारी, वह परिवार के संसाधनों में योगदान देने के बावजूद स्त्रियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का जो लेने की समझ में मनाही है। अब क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्त्रियों पर जोर डाला जाता है, कि कोई पुरुष है घर से बाहर जाके कार्य कर रहा है उसको मान्यता मिल रही है, मैंने आपको बताया, लेकिन कोई महिला है घर का काम करने के बावजूद वो घर से बाहर जाके काम कर रही है, लेकिन फिर भी क्या है वो खुद से अपने निर्णय नहीं ले सकती है, उसको क्या बोला जाएगा कि अगर वो घर से बाहर जाके कार्य कर भी रही है तो उसके कार्य को उतनी मान्यता नहीं मिलेगी। और हम आज के समय में भी देख सकते हैं कि लोगों की सोच किस प्रकार की है, हर कोई चेंज नहीं हुआ समाज में, हम बोल सकते हैं कि चेंजेस आए हैं लेकिन हर जगह आपको ये चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसे है जहाँ पे पुरुष सत्ता को मान्यता दी जाती है, ठीक है। तो उसी में इस प्रकार से बताया गया है कि किस तरीके से यदि कोई स्त्री घर से बाहर जाके कार्य कर रही है लेकिन उसके बाद भी स्वयं से वो खुद के निर्णय नहीं ले सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परंतु समय की मांग है कि हम शिक्षित करें, सशक्त बनाएं और समाज में उचित स्थान का अधिकार दें। अब क्या है, समय के साथ हम देख रहे हैं नई नई, हम बोल सकते हैं ऐसे आयोजन जो है लेकर आए जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी बनाई जा रही है जहां पे महिलाओं को भी पुरुष के समान अधिकार देने का प्रयास किया जा रहा है। तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। इसमें क्या है कि भारतीय परंपरागत व्यवसाय के लुप्त होने के क्या कारण है। अब क्या है, बहुत सारे ऐसे आप देख रहे हैं कार्य है जो कि पारंपरिक समय से हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे क्या है वो कार्य क्या है लुप्त हो रहे, किसी तरीके से खत्म हो रहे हम बोल सकते हैं। तो उनके कौन से कारण है खत्म होने के, तो फर्स्ट क्या है, पर्याप्त क्या है, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, क्या है हमारे पास क्या है पूरी तरीके से विपणन का साधन नहीं है। क्या है, हम एक तरीके से बोल सकते हैं विपणन मतलब खरीद परख हम बोल सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हम बोल सकते हैं, उन सब के साधन क्या है हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट क्या है इसमें पॉइंट, भूमि सुधार लागू करने में धीमी गति है और पर्यावरणीय निम्नीकरण है, आर्थिक पिछड़ापन। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे रीजन आपको बताए गए हैं कि किस तरीके से हमारे जो परंपरागत व्यवसाय हैं लुप्त हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछड़ापन, हम नई नई चीजें को टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, नए नए कार्य जो है उसमें देख रहे हैं, हमें कोई चीज आर्टिफिशियल चीज जो है अच्छी लगती है या लेकिन हमारी जो हस्तशिल्प है हम उसको बोल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बता दूं कि कैसे आप हस्तशिल्प में देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति है क्या कर रहा है कि साड़ी निर्माण कर रहा है, अपने हाथों से निर्मित कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वही क्या है आप नई नई मशीनरियों को देख लेते हैं, उससे क्या है कि मशीन वो कार्य क्या कर रही है जो एक व्यक्ति को काफी टाइम लग रहा है, महीना भर लग जा रहा है साड़ी को बनाने में, वही मशीन क्या है महीनों में लाखों दर्जनों में क्या करती है वो साड़ी को निर्मित कर देती है, जिससे क्या है जो हाथ से बनाई गई साड़ी अब देख रहे हैं उसका रेट तो ज्यादा ही होगा, उस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है, लेकिन मशीन की तरह क्या किया जा रहा है उन सारी साड़ियों को सस्ते दामों में बेच दिया जा रहा है, इतनी सारी जो आप बोल रहे हो उत्पादन है वो हो रहा है। तो जिसके जरिए आप देख रहे हैं क्या है, एक तरीके से जो हाथों से बनाने वाले हो सकते हैं परंपरागत जो हमारी चीजें हैं व्यापार हैं क्या कर रहे हैं धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं, उनका क्या है आर्थिक रूप से पैसे नहीं मिल पा रहे उनको, लोग मशीनों की चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं, वो सस्ती चीजें मिल जाती हैं तो उस पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। तो वही है कि किस तरीके से जो आपका आर्थिक पिछड़ापन है वो आपके परंपरागत जो व्यवसाय है उसमें आ जाता है। आपको जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है, कार्य के क्षेत्र में महिलाओं से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनके जो वर्णन है वो करना है, किस तरीके से आप देख रहे हैं महिलाओं के साथ कार्य के क्षेत्र में भेदभाव किया जा रहा है, उनको सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा, असहज महसूस हो रहा है, ये सारी चीजें क्या है आपको इसमें बतानी है। इसमें आप अपनी मर्जी से बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं किस तरीके से महिलाओं को बहुत सारी जो दिक्कतों का सामना है वो करना पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि श्रम बाजार में क्या है, यहाँ पे महिलाएं होगा, सॉरी एक और मिसप्रिंट हो गया है, आप यहाँ पे महिलाओं बोल सकते हैं,
कि किस तरीके से श्रम बाजार में आप देख रहे हैं महिलाओं की भागीदारी का अवसरों में क्या है, कमी है। अब श्रम मेहनत की बात जहां आ रही है वहां पे क्या है, महिलाओं को कम हम समझते हैं कि महिलाएं क्या है श्रम नहीं कर सकती है, तो श्रम बाजार की जगहों पे क्या है, ऐसे क्षेत्र में क्या है महिलाओं की मांग जो है बहुत कम है, तो उससे क्या है उनको अवसर भी कम प्राप्त होते हैं। क्या है नेक्स्ट, स्त्रियों की कमाई को पूरक या गौण माना जाता है, स्त्रियों की कमाई को क्या है ना के समान ही जो दर्जा है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, बाजार में पुरुषों के समान प्रतिष्ठा ना मिल पाना और तनाव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव और कार्यस्थल पर सुनिश्चित सुरक्षा ना मिल पाना। तो देख रहे कि किस तरीके से कोई भी महिलाएं है वो काम कर रही है, उसी के साथ पुरुष काम कर रहा है, तो पुरुष को प्रतिष्ठा सम्मान मिले कि हाँ ये अपने घर के लिए कमा रहा है ये पुरुष है, लेकिन क्या है वही महिलाओं को उतनी प्रतिष्ठा इतनी इज्जत मान सम्मान नहीं प्राप्त होगा भले ही वो अपने घर के लिए कार्य कर रही हो, जिससे क्या है आप देख सकते हैं एक तरीके से तनावपूर्ण आप बोल सकते हैं, स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव बोल सकते हैं कि महिलाओं में आप देखते हैं कुछ कुछ तो ऐसे होता है ऐसी चीजें जो जल्दी बातों का असर हो जाता है उनके ऊपर, तो ये सारी कमियां क्या है उनके अंदर आ जाती है। और साथ ही में क्या है ऐसे कार्यस्थल आप देख रहे हैं वहां पे सुरक्षा, साथ में स्त्री पुरुष एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं लेकिन क्या है महिलाओं को वहां पे कोई भी सुरक्षा प्राप्त नहीं है, तो एक तरीके से ये भी क्या है आप इसमें बोल सकते हैं कि कार्य के क्षेत्र में महिलाओं को किस तरीके से हम बोल सकते हैं असहज या असुरक्षित महसूस होता है। साथ ही में आप इसमें बोल सकते हैं कि कई जगह महिलाएं क्या है कार्य करती है लेकिन पुरुष के समान उनको वेतन जो है वो प्राप्त नहीं होता है। आप देखते हैं एकदम इक्वल टाइम में सुबह 8 से लेकर शाम के 8 तक कोई महिला है काम कर रही है और साथ ही में पुरुष भी है सुबह 8 से लेकर 8 बजे तक काम कर रहा है, लेकिन क्या है महिलाओं को कम वेतन प्राप्त होगा पुरुषों के हिसाब से, तो ये भी एक तरीके से आप भेदभाव बोल सकते हैं। तो अब आपको जो ये पूरे 10 क्वेश्चन है आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड आपको समझ में आ गए होंगे और क्या है ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और ये क्या है कई बार रिपीट हुए हैं आपके सीबीएसई बोर्ड में। तो आई होप आपको जो सारे क्वेश्चन है वो समझ में आ गए हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में आपके जो सेकंड चैप्टर है उसको लेकर, जब तक के लिए थैंक यू।